दर्शकों, सन 2016 में एक फिल्म आई थी सरबजीत। इस फिल्म में एक बहन का भाई जो अचानक नशे में सीमा पार यानी कि पाकिस्तान चला जाता है और उसे ढूंढने के लिए उसकी बहन यानी कि वहाँ जब वो पाकिस्तान चला जाता है वहाँ की पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है और उसे रिहा कराने के लिए उसकी बहन जो फिल्म में ऐश्वर्या राय थी वो बहुत मेहनत करती है, बहुत मशक्क़त करती है, सरकार से गुहार लगाती है, पाकिस्तान सरकार से गुहार लगाती है। एक लंबा संघर्ष जो है उसका उस फिल्म में दिखाया जाता है। कुछ ऐसी ही घटना हकीकत में इस बार बालाघाट यानी कि मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में हुई है, जहां पर खैरलांजी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का एक युवक जो कि मानसिक तौर पर थोड़ा सा विक्षिप्त था, वो पिछले कुछ साल पहले अचानक किसी तरह घूमते फिरते पाकिस्तान का बॉर्डर उसने क्रॉस कर लिया और वो लाहौर के जेल में बंद है। वहाँ की पुलिस ने उसे बंद कर लिया गया। इसके बाद जब उसे परिवार वालों को पता चला पिछले 2 साल पहले, तब उन्होंने उसे रिहा कराने की वहाँ से कोशिश शुरू की और फिर अब वो प्रशासन से इसके लिए गुहार लगा रहे। यहाँ पर भी उसकी बहन जो है वही मेहनत कर रही है, वही संघर्ष कर रही है अपने भाई को छुड़ाने के लिए। इस बार जो लड़का जो युवक जो है पाकिस्तान में कैद है वो दलित युवक है और इस दलित युवक की ये बहन जो है वो लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार प्रशासन से, सरकार से, नेताओं से गुहार लगा रही है। आप भी सुनिए इसकी कहानी। मेरा भाई ग्राम खैरलांजी तहसीलदार सिंह जिला बालाघाट का निवासी है। वो 10 साल से मेंटली था और वो बस घूमते फिरते ही रहा करता था। उसके बाद में वो लापता हो गया 5 साल से। तो हम लोग सोचा कि वो ख़त्म हो गया, पर अचानक ही पता चला 2022 में कि वो है और पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद है। तो हमें कुलजीत सिंह कछवा अंकल ने बताया, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो आपका भाई जो है वो रिहाई चाहता है। तो मैंने कहा कोशिश करूँगी रिहाई करने की। गए साल हम लोग कलेक्टर के पास में गए थे तो कलेक्टर ने कार्रवाई करके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे दिल्ली भिजवा दिए हैं, पर कुछ दिल्ली से कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। तो हमने अभी कहा कि और हम दोबारा कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे करके, तो बोले हम लोग बालाघाट आ जाएंगे। तो कलेक्टर साहब से मिल के कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश गृह मंत्रालय के लिए करेंगे ऐसा सोची थी। अब मैं सबसे मदद चाहती हूँ कि भारत सरकार मेरी मदद करे, मोदी सरकार मेरी मदद करे मेरे भाई की रिहाई में। वो कुलजीत सिंह जो है वो उनसे कैसे संपर्क हुआ, वो कौन है? वो कुलजीत सिंह जी खजवा अंकल वो जम्मू कश्मीर के हैं। वो 20 साल वहाँ सजा काट चुके हैं और 2021 में उनकी रिहाई हुई। कुलजीत सिंह ने आपके साथ संपर्क कैसे किया, आपको कनेक्शन कैसे मिला? हमारे को कनेक्शन जो है वो मेरे बड़े बाबूजी का नंबर दिया था उन्होंने। अच्छा। तो भाई ने नंबर दिया था बड़े बाबूजी का, तो बड़े बाबूजी को 2 बार फोन लगाया, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो लाहौर जेल में है करके। हमारे खैरलांजी ग्राम के जो नखपुरे जी हैं उनके भांजे डेविस, उनकी दुकान में फ़ोन करके बताया कि प्रसन्नजीत रंगारी जो है वो लाहौर की जेल में कैद है। कब की बात हो गई, ये पता कब चला था हमको? 2022 में पता चला। उसके बाद तुरंत ही कलेक्टर साहब को किया? नहीं, तुरंत ही नहीं किया, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे हमारे पास में। तो हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए और फिर अप्रैल में कार्रवाई किए। ये बताइए अभी तक आपने कहाँ का प्रशासन से मदद की गुहार की? मैंने विधायक प्रदीप जायसवाल से भी मदद मांगी, उन्होंने भी मदद नहीं किया। कलेक्टर साहब से भी मदद मांगी, उन्होंने भी मदद नहीं किया। अब क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार मेरी मदद करे और कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई की रिहाई करे। प्रसन्नजीत का नाम लाहौर की जेल में क्या है? प्रसन्नजीत का नाम लाहौर की जेल में सुनील अते, पिता का नाम विक्रम अते है। देखिए मामले का संज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और इनके अगर परिवार को प्रशासन से सहायता चाहिए होगी तो हम लोग
ACS होम के माध्यम से पत्र भेजेंगे। परिजन अगर सामने आएंगे तो हम लोग उनसे चर्चा करेंगे, जो भी मदद हो पाएंगे हम लोग करेंगे। सर किस तरह की प्रोसेस रहती है इसमें? कुछ डिटेल जानकारी नहीं है, फैक्ट्स भी क्लियर नहीं है, तो कुछ बताया नहीं जा सकता अभी। सवाल ये है कि इस बहन को क्या न्याय मिल पाएगा, क्या प्रसन्नजीत वापस आ पाएगा, क्या एक और सरबजीत बनने से वो बच पाएगा, ये सवाल है। अगर प्रशासन का रवैया इस तरह रहा कि प्रशासन को पता ही नहीं है कि वो वहाँ पर बंद है, जबकि बहन कह रही है उसने प्रशासन से गुहार लगाई है, तो अब सवाल ये है कि क्या इसे न्याय मिल पाएगा। आप सब देखते रहिए हमारा इस चैनल, हम कोशिश करते हैं कि तमाम उन मुद्दों को आप तक पहुँचाएँ जो मुद्दे आपके लिए ज़रूरी है, हो सके तो इसे और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें और हमारी मदद करें। थैंक यू।